हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जय हिंद जय हिंद बेटा सभी लोगों को अंकित कुमार नमस्ते भाई बुलाओ भाई सभी लोगों को शेयर करो जरा जल्दी से वीडियो को शेयर करो जल्दी से ताकि सबको पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो चुकी है धवंस पुंडीर अमित क्या है हाल है अरे अमित किस समित की बात अच्छा आपसे संबंध पूछे जा रहे हैं बुलाओ भाई सभी लोगों को जल्दी से कर दो बेटा शेयर करो इस चीज को जय हिंद सभी को पता चलना चाहिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं मिशन एयरफोर्स का एक नेक्स्ट मॉडल पेपर जो कल किया था उसके बाद आज जीत कौन से नंबर का होगा फोर्थ है ना जल्दी से एक मिनट के अंदर सभी लोग आने चाहिए बेटा एक मिनट के अंदर सभी लोग आने चाहिए आपकी पढ़ाई परफेक्ट चल रही होगी घर में एक एक दिन आपके लिए कीमती है आज की क्लास फिर कल की क्लास ऐसे ही ग्यारह तारीख तक आपको पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे बारह तारीख तक उसके बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे विश्वनाथ जय हो भाई निशांत उपाध्याय जय हिंद सभी को जय हिंद गुड मॉर्निंग बेटा यूपीएससी पैट की तैयारी करता हूं चौधरी हर्ष गुड चौधरी अच्छी बात है अगर तैयारी में लगे आप लोग अभी से सही है बेटा टारगेट अगर बहुत बड़ा रखा है तो उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी है ना बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला ठीक है और इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है लव यू फ्रॉम शीनगर सेम टू यू वाई सेफअली सेम टू यू चलिए स्टार्ट करते हैं हाँ जी सबको बुलाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का नया मॉडल पेपर नया प्रैक्टिस सेट ठीक है एवरीडे डे थर्टी क्वेश्चन हम करते हैं जो कि वाई ग्रुप बोथ के लिए रागा वाला सेक्शन होता है उसमें आपकी डेली मार्किंग हो रही है आप खुद अपने आप को जज कर रहे हैं आप मेरे को बता भी रहे हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन अगर एक्चुअल में इतना आप स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है क्लियर और ईश्वर बिल्कुल छा जाना है एग्जाम में है ना अप्रैल में जो होना था उसके बाद भी आपको काफी वक्त मिल गया है ठीक है और घर में ही रहे आप लोग तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो गई होगी चलें शुरू करें शुरू करें बेटा नो yes शुरू no? करें जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो स्टार्ट करें उठा लो अपनी पेन और कॉपी और शुरू करें अपना स्कोर लिखते जाएं, जय हिंद बेटा चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है ठीक है सीरीज वाला क्वेश्चन है सीरीज से संबंधित प्रश्न है सीरीज से रिगार्डिंग प्रश्न है जल्दी से निकालिए इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा सीरीज से रिगार्डिंग प्रश्न है जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताइएगा फोर कॉमा सेवन कॉमा फोर्टीन कॉमा ट्वेंटी फोर कॉमा फोर्टी वन और क्वेश्चन मार्क अगला नंबर क्या होगा जल्दी से बताओ अगला नंबर क्या होगा हां जी निकाला किसी ने अब तक आंसर देखो जरा यहां पर चार और तीन चार और सात के बीच का इंटरवल कितने का है भैया गैप कितने का है तीन का हो गया या फिर ये कह है सकते हैं ये कह है सकते हैं कि फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन हो गया फिर सेवन प्लस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर्टीन मतलब ये थ्री ऐड हो रहा हर समय सेवन के साथ पिछला नंबर तो करना ही है उसमें थ्री ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा चौदह फिर चौदह प्लस सात जो पिछला नंबर है और प्लस तीन कितना हो जाएगा भाई चौबीस फिर क्या करेंगे चौबीस प्लस फोर्टीन जो पिछला नंबर होगा और उसमें कितना जोड़ेंगे तीन तो कितना हो जाएगा चार तीन सात सात तीन ग्यारह सॉरी सात चार ग्यारह और दो और एक तीन और एक कितना हो जाएगा भाई चार फोर्टी वन तो लास्ट में क्या ऐड करेंगे आप फोर्टी वन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस थ्री तो ये हो जाएगा भाई चार और तीन सात और एक आठ और चार दो छह एक सात कितना बन जाएगा नहीं चार दो छ कितना हो जाएगा भाई सिक्सटी एट वेरी गुड सिक्सटी एट फौजी राजा ने दिया है भाई फौजी राजा गुज्जर ने सिक्सटी एट आंसर दिया है निशांत उपाध्याय ने भी सिक्सटी एट आंसर दिया है आंसर इज बी आंसर क्या होगा बी गुरविंदर का आंसर भी सिक्सटी एट आया है वेरी गुड चले बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी डा से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा डाइ से रिलेटेड क्वेश्चन है पासा लिखा हुआ है कि इस पासे के डाइस की जो है चार साइड आपके पास दे रखी है ठीक है ना और इस चार आपके फिगर हैं चार फिगर में जो ट्रैंगल है ना ट्रेंगल के अपोजिट बताना है क्या होगा ट्रैंगल के अपोजिट बताना है विद विच फिगर विल ऑन द सर्फेस अपोजिट द फिगर कौन सा फिगर ट्रेंगल ट्रेंगल के अपोजिट बताना है जल्दी से बताओ मैंने कल भी बताया था आपको एक इसका शॉर्टकट बताया था ना कि नियरेस्ट सरफेस ज्वाइंट सरफेस कभी भी अपोजिट नहीं होती है ये वाली वाल इस वाल के अपोजिट नहीं होगी ये वाली वाल इस वाल की अपोजिट नहीं होगी तो बताओ तेरा मेरे को जल्दी से अंकित कथी जयहद थोड़ा टाइम से आया करो पीयूष कुमार का आंसर सी आया है पीयूष ने सी दिया है पीयूष ने बताया कि इसका आंसर होगा ओ ठीक है ओ होगा या सर्कल बोल सकते हैं जो भी है चलिए पीयूष देखते हैं ट्रैंगल क्या पूजी सबसे पहले तो ये देखना है कि ट्रैंगल हमारे पास एक ही डाइस में है अब ट्रेंगल एक ही डाइस में अब इसमें स्टैंडर्ड इस डाइस या जनरल डाइस नहीं बता सकते हैं आप लोग ठीक है ना क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस के लिए हमारे पास नंबर का होना जरूरी है है ना अब देखिए यहां पर ट्रेंगल सिर्फ एक डाइस में है अगर मैं थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करूं एक प्रॉपर्टी डाइस की ये भी है कि अगर टू फेसेस पर जो आपके नंबर है या सिंबल है वो कॉमन है तो बचा जो अदर है वो कंफर्म एक दूसरे के क्या हो जाता है अपोजिट यहां देखिए डिवाइड यहां भी है डिवाइड यहां भी है प्लस यहां भी है प्लस यहां भी है हो गया भाई अब बच्चा हमारा क्या यहां दो सरफेस कॉमन यहां भी दो सरफेस कॉमन यानी ट्रेंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई वेरी गुड जिन्हें आंसर सी दिया है ओ काफी बच्चों ने आंसर सी दिया है ओ होगा ठीक है शेयर कर दो जरा जल्दी से भाई वीडियो अब तक बच्चे पूरे नहीं आए थोड़ा शेयर भी किया करो क्लियर तो यहां पर क्या होगा ओ हो गए या सर्कल जो भी लिखा है आपने डन नेक्स्ट हाँ जी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है बताइए 42, 37, 17, 11, 84, 13, 74, 93 क्वेश्चन मार्क जो लॉजिक इसमें लग रहा है इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए आना? जो लॉजिक यहां लग रहा है यहां लग रहा है यहां लगना चाहिए वो भी ऐसा नहीं कि यहां आपने कुछ लगा दिया यहां कुछ लगा दिया यहां और ही लगा दिया नहीं भाई अब देखिए इन दो नंबर को जोड़ा घटाया गुना भाग जो भी किया होगा तभी ये सेवनटीन आया भाई है ना ग्यारह चौरासी को जो भी किया होगा तभी तेरह आया होगा सेवनटी फोर नाइनटी थ्री को जो भी करना होगा जो फर्स्ट टू में हुआ होगा वही यहां पे होना चाहिए तभी आंसर बनेगा अब यहां ध्यान से देखें अगर आंसर आपने निकाल दिया तो जय हिंद भाई सभी लोगों को अब थोड़ा यहां पर भी ध्यान दीजिएगा हाँ जी अब यहां ध्यान से देखिए कैसे आया ये कुछ भी हो सकता है कोई फॉर्मूला नहीं है याद रखना कोई भी लॉजिक लग सकता है अगर मैं थ्री इंटू टू करूं तीन गुना दो तो तीन का दो से मल्टीप्लाई क्या होता है वो सात प्लस चार करूं तो सात चार कितना हुआ ग्यारह यानी जो आपके अंदर वाले नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और जो बाहर के नंबर है उनको ऐड कर रहा हूं और फाइनली इसको ऐड कर दो तो ग्यारह छह कितना हो भाई सत्रह आई थिंक सत्रह मेरा यहां से बन गया नेक्स्ट वाले में रूल यही लगना चाहिए आठ इंटू एक करेंगे तो आठ हो जाएगा और आठ प्लस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी चार प्लस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच और आठ पांच कितना हो जाएगा भाई तेरह बिल्कुल सही बताओ भाई अब क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ भाई क्या होना चाहिए यस आंसर इज ए फोर्टी सिक्स आंसर इज ए भाई ए ही आ रहा है देख लो एक बार नाइन ती, फोर हाँ जी सिक्स सात तीन दस बाई वेरी गुड आंसर फोर्टी सिक्स आंसर ए है गुड आंसर ए है नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी ट्रैंगल रिलेटेड क्वेश्चन है ट्रेंगल बताना है हाउ मेनी ट्रैंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताएं बेटा दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ कुल कितने त्रिभुज हैं हाँ जी फिगर क्वालिटी का क्वेश्चन है जल्दी से बताएं। अच्छा इसमें कुल कितने त्रिभुज होते हैं इस वाले में कुल कितने त्रिभुज त्रिभुज होंगे? जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें कुल कितने कितने हैं जरा मेरे को बताओ। नंबर ऑफ yes, तीन, 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 तीन तो भाई यहां ध्यान से देखना अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी तो तीन होंगे वन टू अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी तो तीन होंगे वन टू अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे भी तो तीन होंगे वन टू हो गया भाई होंगे कि नहीं होंगे और ये तो सिर्फ इतने के लिए है अगर मैं इतने की बात करूं बड़ा वाला जो है तो यहां पर भी तो वन टू दो अरे कितना हो जाएगा तीन होगा कि नहीं होगा है जी तो तीन और तीन चार तीन नौ तीन कितना हुआ बारह बारह तो ये हो गए अब जरा इस कॉर्नर पे जाएं आप कहां पे, यहां पे. इस कॉर्नर से देखे तो एक तो ये बंदा है और एक ये बंदा है हो गया तो दो और बन गया अब इस कॉर्नर पे जाए तो एक ये बंदा है और एक ये बंदा है तो दो ये हो गया तो बारह दो चौदह दो सोलह आंसर इज ए सोलह है बेटा कितना है सोलह जिनका आंसर तेरह है नौ है गलत है आपका कार्तिक ने आंसर सही दिया कार्तिक सिक्सटीन आंसर है अंकुश जाट ने भी सही आंसर दिया सिक्सटीन आंसर है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाँ जी कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्ड निम्नलिखित में से कौन सा विषम है अप्रैल जुलाई नवंबर या फिर मार्च ऑर्ड बताना है ऑर्ड हाँ जी जल्दी से बताओ साइन ट्रेंगल का करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्यों नहीं है भाई सब कुछ है लेकिन वो फिगर पर डिपेंड करता है बेटा जिस टाइप का फिगर होगा ना उस पर क्या ट्रिक लगेगी वो प्रैक्टिस के ऊपर बात है नवंबर बता रहे हैं जुलाई बता रहे हैं अप्रैल है सॉरी <coughs> 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 जुलाई देखो भाई अगर तो मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डेज की बात करूं तो नंबर ऑफ डेज अप्रैल में कितने होते हैं भाई थर्टी जुलाई में कितने होते हैं थर्टी वन नवंबर में कितने हो थर्टी और मार्च में कितने होंगे थर्टी वन भाई इसमें तो पता नहीं चल रहा है क्यों क्योंकि थर्टी थर्टी दो में आ गया थर्टी वन थर्टी वन भी दो में आ गया तो इससे तो पता नहीं चलेगा कि ऑर्डर क्या होता है ठीक है अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी एक पे आता है फरवरी दो पे आता है मार्च तीन पे आता है अप्रैल चार पे आता है आ गया मई पांच पे आएगा मई के बाद जून छह पे आएगा जुलाई सात पे आएगा अगस्त आठ पे आएगा फिर सितंबर नौ पे आएगा अक्टूबर दस पे आएगा और नवंबर ग्यारह पे आएगा और दिसंबर कितने पे आएगा भाई बारह पे अब हमारे पास चार महीने एक तो नवंबर नवंबर कितने पे है ग्यारह पे बिल्कुल सही एक हमारे पास जुलाई जुलाई कितने पे है सात पे एक हमारे पास मार्च मार्च कितने पे है तीन पे और एक है अप्रैल अप्रैल कितने पे है चार भाई पता चल गया पता इसलिए चला कि जो अप्रैल मंथ है ना आंसर इसका ए होगा ये एक इवन नंबर वाले इवन नंबर प्लेस पर है अप्रैल इवन नंबर प्लेस पर है क्लियर इसीलिए इसको हमने ऑर्ड बना दिया बाद बाकी ये ऑर्ड नंबर वाले प्लेस पे है देखो मार्च तीन पे है जुलाई सात पे है नवंबर ग्यारह पे सारे ऑर्ड नंबर है तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है याद रखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है इन अजू देर आर रैबिट्स एंड पेजन्स इफ हेड्स आर काउंटेड देर आर ट्वेंट टू हंड्रेड एंड इफ लैग्स आर काउंटेड देयर आर फाइव फिफ्टी हा मैनी पीजें एक चिड़िया घर में खरगोश और क्या रहते हैं भाई कबूतर हैं। यदि शिरों की संख्या 200 और टांगों की संख्या 580 हो तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए आंसर अब तक रजत त्यागी ने दिया 120। देखते हैं रजत आपका आंसर सही है या गलत है देखो मान लेते हैं कुछ भी क्वेश्चन का लो, लेते हैं जो आपकी मर्जी है मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूं आपको मान लेते हैं हमारे पास जो है भाई क्या जो हमारे पास रैबिट है रैबिट को मैंने एक्स मान लिया और जो आपके पास पीजन है उनको वाई मान लिया रैबिट का भी एक ही क्या होता है भाई रैबिट का एक सर होगा और पीजन का भी क्या होगा एक ही सर होगा ठीक है ना सर तो दोनों के एक एक है तो नंबर ऑफ सर एक्स हो गए पिजन के रैबिट के और पिजन के क्या हो गए सरों की संख्या नंबर ऑफ कितने दे रखे टू हंड्रेड बिल्कुल सही टांगे रैबिट की कितनी हो जाएगी भाई चार तो चार एक्स प्लस आपका पिजन कितनी होगी दो तो दो एक्स इक्वल टू कितना भाई पांच सौ गुना पांच सौ अस्सी गुना क्या कर देंगे चार यहां पर तो चार की मल्टीप्लाई करनी है नहीं पांच सौ अस्सी है चार की मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे क्लियर चार की मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू टू हंड्रेड फोर एक्स प्लस टू वाईकल टू फाइव हमें क्या निकालना है हमें तो नंबर ऑफ पिजन निकाले कबूतर निकालना है तो भाई एक्स को यहां से हटाना पड़ेगा एक्स को यहां से हटाएंगे तो इसके साथ में फोर की मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले वाली क्वेश्चन में तो फोर एक्स प्लस फोर वाई फोर वाई टू कितना हो जाएगा भाई एट हंड्रेड और ये हो जाएगी दूसरी फोर एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू फाइव एब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और चार में से दो गए दो आठ सौ में से पांच सौ अस्सी गए तो जीरो दो और यहां बचेगा कितना दो सौ बीस बचेगा बचेगा दो सौ बीस दो से काटेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक सौ दस जिन बच्चों का आंसर एक सौ दस वो बिल्कुल सही है कबूतरों की संख्या एक सौ दस है और भी आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं वेरी गुड गुड ठीक है 110 से है आप कितने भी तरीके हो सकते हैं आपके पास ऐसा कुछ नहीं है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी amended है आपको बताना है अमेंडेड फिगर है कि ऐसा क्वेश्चन uh, का जो फिगर है वो क्वेश्चन का फिगर किस फिगर में दिया गया है ऑप्शन का किसमें ये नियत है किस में ये बन सकता है जल्दी से बताओ किसमें हो सकता है ये फिगर हाँ जी ये तो आना ही चाहिए गुड सबका आंसर सी है वेरी गुड सभी ने आंसर सी दिया आंसर डायरेक्ट बन रहा भाई सी देख लो आंसर सी बन रहा है अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ दें अगर इसको मिला भी दे, कुछ ऐसे कर दें तो हमारा फिगर सी नजर आएगा देख लो फिगर सी बन गया बन गया ना यस फिगर सी बन रहा है तो आंसर इज सी ठीक है <laughs> यस लिखा है एक्स इज एल्डर देन जेड वाई इज ंगर देन जेड जेड इज एल्डर डब्ल्यू डब्ल्यू इज यंगर एक्स इज दबसे बड़ा कौन है एक्स वाइज एक्स से बड़ा है जेड डब्ल्यू से बड़ा है और डब्ल्यू एक्स से छोटा है सबसे बड़ा कौन है यह बताना है हाँ जी जल्दी बताओ क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखेगा सबसे बड़ा कौन है बेटा गुड संयोग का आंसर है एक्स गुड सभी ने आंसर सही दिया आंसर होगा क्या भाई ए एक्स कैसे एक्स जेड से बड़ा है हां भाई जेड से बड़ा है लिख दिया वाई जेड से छोटा है हां भाई वाई जेड से अगर छोटा है तो क्या होगा अगर एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है यानी जेड बड़ा होगा जेड डब्लू से बड़ा है जेड डब्लू से भी बड़ा है बिल्कुल सही है डब्लू एस एक्स से छोटा है, डब्लू जो है एक्स से छोटा यानी एक्स क्या होगा भाई बड़ा होगा अब देखें भाई जब जेड डब्लू से बड़ा है जेड वाई से बड़ा है लेकिन एक्स से छोटा है और एक्स डब्ल्यू से भी क्या है बड़ा है अब इसको बोलता है या ना बोलता है यहां तो इक्वेशन क्लियर है ना कि जेड तो डब्ल्यू से बड़ा है तो सबसे बड़ा तो भाई एक्स ही होना है कुछ करने की जरूरत नहीं है हाँ जी फिर अगेन फिगर आ गया या इस फिगर को कंप्लीट करना है इक्वेशन का फिगर यह है आंसर का फिगर यह दे रखा है एक सर्कल बन रहा है इस सर्कल में चार ऑप्शन में से कौन सा फिगर बिल्कुल फिट बैठ सकता है जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा जल्दी से बताओ इस फिगर को जो कंप्लीट करेगा हां जी वेरी गुड लगभग लगभग सभी बच्चों ने आंसर मेरे को सही दे दिया आंसर इज सी कभी भी अगर फिगर को कंप्लीट करना है तो ऑप्शन पे मत जाओ सीधा पहले जो क्वेश्चन का फिगर है उसी को कंप्लीट कर दो भाई कुछ ऐसे तो बनेगा ही ऐसे बनेगा है ना फिर ये ऐसे होगा और ये यहां आ जाएगा देख लो अब ये वाला जो फेस है ये हमें कहां दिखाई दे रहा है सी में ठीक है आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश क्या बताना है बेटा क्या पूछ रहे हो आप हाँ जी राजेश नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको जो मिसिंग है uh, उसको कंप्लीट करना है कई बार क्वेश्चन आ चुका हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ चुका है आप इसको जरा भरिए क्या होगा पहले अल्फाबेट काउंट करो कितने अल्फाबेट है इसमें कितने अल्फाबेट है अल्फाबेट को काउंट करिएगा उसके बाद पेयर बनाओ मैंने कई बार आपको बताया है इसका आंसर क्या होगा कितने अल्फावेट है जो आपके छुटे हैं उसको भी काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन कितना है भाई सोलह और सोलह में हमेशा किसका बनाना चार गुना चार का सोलह में हमेशा सिक्सटीन में चार गुना चार बनेगा टेन का भी आंसर आ रहा है ठीक है अब चार गुना चार होगा तो चार ये बन जाएगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार और एक दो तीन चार सी वाला पेयर ऐसा है जो कंप्लीट हमारे पास बन के तैयार हो गया क्या ए एम एक्स एन तो यहां पे एम आएगा ए एम एक्स एन आएगा ए एम एक्स एन आएगा ए एम एक्स एन ए एम एक्स एन तो क्या फील किया है आपने एम एन एक्स ए एन एम एन एक्स ए एन है कहीं क्या एम एन एक्स ए एन आंसर इज बी आंसर क्या होगा बी गुड uh, किशन आपका आंसर क्रिश क्रिशन क्रिश्चन uh, मुरारी आपका आंसर गलत है भाई ए नहीं है uh, राजेश क्या बता पूछना चाह रहे हो सर प्लीज बता दो क्या बताना बेटा हाँ जी राजेश मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात यार ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी एनालॉजी का ये क्वेश्चन है जल्दी से बताइए नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन फिगर में बताना एनालॉजी तो नहीं बोल सकते इसको नॉन वर्बल का है क्वेश्चन का फिगर दे रखा है यहां से यहां यहां से यहां फिर आगे क्या होगा और आंसर का फिगर ये है जल्दी से बताओ क्या होगा भाई आंसर जल्दी से बताएं वाला वाला कबूतर वाला क्वेश्चन यार कबूतर वाला क्वेश्चन बता दो दिया बेटा कबूतर वाला क्वेश्चन बता दो दिया देखो यहां ध्यान से देखें कबूतर वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था भाई हमारे पास खरगोश है जो रैबिट है रैबिट का सर एक ही होता है तो उनकी सरों की संख्या मान ली हमने एक्स एक्स गुणा एक करेंगे तो एक्स होगा नंबर ऑफ रैबिट अगर एक्स है तो सर भी एक्स होंगे और जो पीजेंट है नंबर ऑफ पीजेंट अगर y है तो उनके सर भी क्या होंगे भाई y होंगे सिंपल सी बात है x सर क्योंकि x रैबिट थे तो x है y y y सर यानी अगर थे तो वाई होंगे इनका नंबर दे रखा टोटल 200 दे रखा नहीं कि नहीं दे रखा है हो गया और जो आपके रैबिट है उसके पैर कितने होते हैं चार तो नंबर ऑफ रैबिट अगर x है तो पैर कितने हो जाएंगे भाई चार एक्स होंगे कि नहीं होंगे और y अगर पीजेंट है तो उनके पैर कितने होते हैं दो तो नंबर ऑफ पैर कितने होंगे यहां से दो और इनकी संख्या दे रखी पांच सौ अस्सी ये तो बताए तो ये पैरों की संख्या हो गई ये करके, ये ये करके इक्वल इसके हो जाएगा और ये उनके सरों की संख्या होगी आपको तो की तो की वैल्यू निकालनी है को रिमूव करना पड़ेगा और को रिमूव करने के लिए यहां चार की मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा भाई चार एक्स प्लस चार वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आठ सौ बस इन दोनों इक्वेशन को घटा दो एक दूसरे से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस फोर वाई इज टू आठ सौ और फोर एक्स प्लस उधर टू वाई इज टू पांच सौ अस्सी हो गया घटाएंगे सेपरेट करेंगे तो माइनस यानी साइन चेंज होगा प्लस का माइनस प्लस का माइनस और प्लस का माइनस चार एक्स से चार एक्स कैंसिल चार वाई से दो आई गया कितना बचेगा दो वाई इज टू आठ सौ से पांच सौ अस्सी घटाएंगे तो कितना बचेगा दो सौ बीस और ये कटेगा कितने से दो बार दो से कटेगा कितने बार एक सौ दस बार तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई एक सौ दस यही तो निकालना था यही तो निकालना था भाई समझ में आया कि नहीं आया हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया ठीक है हां जी इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन का भी बता रहे हैं ठीक है देखते हैं देखो भाई यहां पर जो लीफ है इसका जो इसमें लाइंस है कुछ पीछे की तरफ है इस टाइप से अगले में क्या जा रहा है ये आगे की तरफ जा रहा है और आगे पे जो एक और फ्लावर है उसकी जो आपका अंदर वाली लाइंस है ना वो कट रही है ये वाली लाइंस कट रही है तो सेम ऐसे होना है यहां लीफ का जो लाइन्स है ये पीछे की तरफ है आगे में नेक्स्ट हो रहा है और यहां पर जो ये पंखुड़ियां होगी ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो इसमें तो ये होगा नहीं क्योंकि ये पीछे की तरफ है इसमें जरूर होगा लेकिन यहां फ्लावर एज इट इज है तो बी भी नहीं होगा सी तो होगा नहीं पर क्या होगा आंसर डी इलेवन का डी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉच वाला क्वेश्चन है भाई इफ द क्लॉक रीड सिक्स ट्वेंटी एंड इफ द मिनट हैंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट इन विच डायरेक्शन विल द हर हैंड्स हर हैंड पॉइंट यानी एक घड़ी जो है छह बीस का समय जब दिखाती है तब मिनट की सुई उत्तर पूर्व में होती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी जल्दी से बताओ डायरेक्शन का क्वेश्चन है घड़ी का ही बोल सकते हैं इसको डायरेक्शन पूछ रहा है सर ये एयरफोर्स का है क्या बिल्कुल है अर्पित एयरफोर्स का ही है यह एयरफोर्स का ही है भाई अच्छा मैंने क्या बताया था चौधरी हाँ भाई सही है चौधरी हर्ष सही है यार वो अगर गलती से मुंह से निकल गया होगा तो अलग चीज है चलिए हाँ भाई याद ध्यान से देखना छह बीस हो रहा है ना तो छह बीस कुछ ऐसे होगा ये है ये छह बीस हो रहा है ये चार है और ये यहां पर छह है तो छह से थोड़ा सा आगे होगी अब इसको बता दिया उसने नॉर्थ ईस्ट जबकि नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए था ये, अब नॉर्थ ईस्ट उसने ये बता दिया है ना इसका मतलब ये वाला यहां पहुंच गया तो भाई ये यहां पहुंचेगा ये कहां पहुंचेगा बताओ जरा ये कहां पहुंचेगा नॉर्थ ईस्ट बता दिया तो बताओ कौन सी घंटे की सुई किस दिशा में होगी जल्दी से बताए साउथ ईस्ट भाई नॉर्थ ईस्ट है छह बज के नॉर्थ ईस्ट यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट छह बीस को तो घंटे की सुई कहां होगी भाई डायरेक्शन को नीचे ले आएंगे ईस्ट में नहीं आएगी ईस्ट में आएगी या नहीं आएगी पहले बताओ यस yes. रजत त्यागी का आंसर ए यस ईस्ट है आंसर होगा सी ईस्ट भाई जब यहां से इसको उठा के यहां ले गया चार पे जो सुई थी उसको नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा दिया तो जो छह पे होगी वो ईस्ट में आएगी कि नहीं आएगी सिंपल सी बात है क्लियर साउथ ईस्ट नहीं होगा आंसर सी है बेटा आंसर इज सी ईस्ट भाई मेरे नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ना जो चार पे सुई थी मिनट की तो चार पे जो सुई थी वो कहां थी चार पे जो सुई थी वो थी साउथ ईस्ट में तो अगर साउथ ईस्ट को उसने नॉर्थ ईस्ट बना दिया तो भाई जो घंटे की सुई है वो तो साउथ में है ना अब घुमाओ इसको भी इसको भी कितना 90 डिग्री घुमाएंगे तो साउथ का कहां जाएगा भाई ईस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा बलाओ अब आया भाई अब समझ में आया समझ में आया कि नहीं आया ये देखो यहां चार था साउथ ईस्ट को यहां ले गया वो नॉर्थ ईस्ट क्योंकि मिनट यहां थी तो यहां बिठा दिया और ये ईस्ट है यहां छह है ये साउथ है तो जब ये यहां से यहां जा सकता है 45 डिग्री एंड आपका एंटी क्लॉकवाइज तो भाई साउथ वाला भी तो 45 डिग्री सॉरी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा ये भी 90 डिग्री जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ये भी 90 डिग्री तो क्या बन जाएगा ईस्ट पूरा डायरेक्शन के साथ ही बता रहा हूं भाई ठीक है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट पहुंचा दो तो साउथ को कहां पहुंचाना है आपको ईस्ट में यस yes, हो गया ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी से रिलेटेड ही है ऑक्सीजन बर्न कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ अलग करना बुझाना झाक फटना क्या होता है थर्टीन का वेरी गुड गुड बनेगा बेटा बनेगा मॉक में बनेगा आंसर इज सी बुझाना आंसर इज सी बुझाना ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का काम होगा बुझाना हाँ जी ये है आपका एस आई सी आई से रिलेटेड क्वेश्चन है लिखा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन सिक्स ईयर डबल होता है कितने साल में छह साल में ठीक है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू एट टाइम्स ऑफ इट सेल्फ कोई धनराशि ब्याज पर दी गई वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर छह साल में दोगुनी हो जाती है वह आठ गुनी कितने वर्ष में होगी वेरी गुड काफी बच्चों ने आंसर दे भी दिया होगा काफी बच्चों का आंसर आ भी गया है देखो अगर इसमें फॉर्मूला लगाते रहेंगे P1 वन प्लस आर अपन हंड्रेड की पावर एन तो वहां से हमारे पास क्या निकलेगा चक्रवृद्धि मिश्रधन फिर उसको दिखाया जाएगा कितने साल में दोगुना काफी टाइम लेगा कुछ नहीं करना है यहां ध्यान से देखना है दो साल में बोला है ना नहीं कितने साल में बोला भाई छ वर्ष में कितने गुनी हो रही है छ वर्ष में दुगुनी सिक्स ईयर में कितना गुना हो रहा है टू टाइम हो रहा है तो आपको बताना है कि कितने साल में क्वेश्चन मार्क कितने साल में आठ गुना होगा ये तो बोला हाँ बारह के बाद एंडिया कोचिंग लेना ठीक होगा हाँ ले सकते हैं राहुल कोई प्रॉब्लम नहीं है आठ गुनी कितना अब देखो यहां टू की पावर क्या है भाई वन टू की पावर वन यानी बेस टू है ना पावर में वन लिखो या ना लिखो इसका बेस भी मेरे को टू के फॉर्म में बनाना है इसका बेस भी टू के फॉर्म में बनाना है क्योंकि बेस सेम हो जाएगा दोगुना पता चल जाएगा तो आठ को लिखूंगा मैं दो की पावर तीन लिख सकता हूं दो की पावर थी तो यहां बेस दो है और यहां बेस दो है दोनों का बेस सेम हो गया इस पावर की मल्टीप्लाई पहले वाले टाइम के साथ कर दो सिक्स थ्री कितना हुआ एटीन तो अठारह साल में कितना हो जाएगा भाई अट्ठारह साल में हो जाएगा कितना गुना आठ गुना समझ में कुछ नहीं करना है यस क्लियर यस yes, आंसर है अठारह वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी इन ए सर्टेन कोड सिस्टर इज रिटर्न एज आर एच आर एस डी क्यू सिस्टर का कोड यह है आर एच आर एस डी क्यू हाउ इज अंकल रिटर्न इन दैट कोड अगर सिस्टर का कोड ये बनाया है तो उसी लैंग्वेज में उसी कोड वर्ड में अंकल का कोड क्या होगा ये बताना है तो सिस्टर को लिखा यहां पर लिख देते हैं जरा सिस्टर का कोड कैसे लिखा है सिस्टर सिस्टर को लिखा है आर एच आर एस डी क्यू ये लिखा ना बस यहां से अगर पता चल जाएगा भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कैसे यहां पर लॉजिक लगा है तो हमें सब समझ में आ जाएगा S को उसने आर लिखा आर पहले आता है, एस पहले आता आर है आर के बाद एस आता है, यानी यानी क्या? क्या के 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 बाद H लिखा, यानी I, I के बाद 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 लिखा, आता है? H. या आएगा? आया तो सब में माइनस वन होगा देखो टी से पहले एस माइनस वन ई से पहले डी माइनस वन और आर से पहले क्यू माइनस वन भाई माइनस वन माइनस वन बताओ आंसर आंसर जल्दी से बताओ कितना है भाई यस वेरी गुड अब तो समझ में आ गया होगा आंसर ए यानी अंकल से भी माइनस वन माइनस वन करते जाएंगे तो आपका आंसर होगा माइनस आपका ए टी एम के डी जी लिखा है फोर ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज टू रेशियो थ्री रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है एंड आफ्टर फोर ईयर इट विल बिकेम फाइव सेवन फाइंड देयर प्रेजेंट एज चार साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दो अनुपात तीन था और चार साल बाद पांच अनुपात सात हो जाता है बताओ भाई उनके प्रेजेंट एज क्या है जल्दी से बताओ चार साल पहले की बात दे रखी है और कौन है ए और बी है ना भाई और रेशियो बना के दे रखा है कितना दो रेशो कितना भाई बोलो दो रेशो कितना है तीन रेशियो आर का मतलब रेशियो लिख दिया तो भाई मैं इस रेशियो को दो आर बटे तीन आर भी तो लिख सकता हूं ये भी तो रेशियो है हो गया ये भी तो रेशियो है कितने साल बाद भाई चार साल पहले से प्रेजेंट में आएंगे तो चार साल बढ़ेगा फिर चार से चार साल बाद तो डायरेक्ट कितने की वृद्धि होगी आठ आठ यहां बढ़ाना ए में और आठ यहां बढ़ाना तो दे रखा है रेशियो पांच बटे सात पांच बटे सात भाई समझ में आया कि नहीं आया बस क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो आर की वैल्यू निकाल लो, तो सात का दो गुना चौदह आर प्लस सात से आठ कितना होगा फिफ्टी सिक्स प्लस तीन का पंद्रह पांच के साथ पंद्रह आर और प्लस आठ पंजीय कितना हो जाएगा चालीस आर आर को तेरह पंद्रह आर माइनस चौदह आर कितना बचेगा वन रेशो आर की वैल्यू आ जाएगी छप्पन माइनस चालीस कितना हो जाएगा सोलह भाई एक रेशो की वैल्यू सोलह है तो यहां पर चार साल पहले कितना था दो रेशो रेशो सोलह है तो दो रेशो कितना हो जाएगा भाई बत्तीस एक रेशो सोलह है तो तीन रेशो कितना हो जाएगा भाई अड़तालीस लेकिन ये तो चार साल पहले की है प्रेजेंट में आके चार साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई छत्तीस और ये भी चार साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बावन तो आपका आ जाएगा भाई छत्तीस और बावन है कहीं आंसर डी वेरी गुड प्रतीक कुमार रिपीट करना है रिपीट क्या करना बेटा चार साल आज से प्रेजेंट से चार साल पहले जाओ रेशो बना के दे रखा है ए रेशो बी टू रेशो थ्री है यानी अगर दो साल का ए है तो तीन साल का बी चार साल पहले आज से 2017 दो चले जाओ फिर आज अगर इक्कीस बढ़ेगा तो चार साल ए बढ़ेगा चार साल बी तो चार चार साल बढ़ गया प्रेजेंट में पहुंच गए आज से चार साल बाद यानी आने वाले दो की बात कर रहा है तो भाई चार और चार पिछला बढ़ा चार आज से बड़ा का तो टोटल आठ की वृद्धि होगी दोनों में कि नहीं होगी डी गलत है भाई सॉरी uh, डी सही है ए गलत है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हा जी मिक्सर का क्वेश्चन है जल्दी से मिक्सर का क्वेश्चन है इन अ मिक्सर ऑफ सिक्स लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू रेशो वन हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट्स रेशियो वन इज टू टू यानी इसमें कितना पानी और डालना है कि रेशियो एक अनुपात दो हो जाए ठीक है रेशो क्या बन जाए एक अनुपात दो आपके पास मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है भाई मिक्सर है कितने का साठ लीटर का और साठ लीटर में मिल्क और वाटर है टू रेशो अगर मैं साठ में से मिल्क अलग निकाल दू तो साठ बटे मिल्क का रेशो है दो से मल्टीप्लाई टोटल रेशो दो और एक कितना हो रहा है तीन से डिवाइड तो तीन दुनी कितना छह बीस दुनी कितना चालीस मिल्क है मेरे पास चालीस और वाटर बन जाएगा भाई बीस होगा कि नहीं होगा वाटर बन जाएगा बीस अब ये बोल रहा है कि इसमें कितना वाटर और मिलाना है क्या मिलाना है वाटर तो भाई मिल्क तो चालीस ही रहेगा अगर मिल्क और वाटर का रेशियो देखे तो मिल्क तो चालीस ही रहेगा वाटर कितना है बीस और इस बीस में कितना और डालना है हमने कहा भाई एक्स लीटर और डाल देते क्या प्रॉब्लम है तब ये रेशियो क्या बन जाएगा वन रेशियो टू यानी एक बटे क्या बन जाएगा दो ये दिखाईल टू वन बाई टू क्लियर तो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई बीस चालीस का दो गुना अस्सी इजिकल इस टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी प्लस एक्स हां जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अस्सी में से बीस गया कितना साठ यानी आंसर इज डी साठ लीटर क्लियर वेरी गुड साठ लीटर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन है लिखा है 300 ग्राम लिखा है क्या है भाई शुगर है 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40 परसेंट ऑफ शुगर इन इट हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50 परसेंट इन द सॉल्यूशन यानी 300 ग्राम में 40 ग्राम तो क्या है भाई 40 परसेंट तो शुगर है इसमें कितना और मिलाया जाए क्या शुगर के घोल में शुगर की मात्रा कितनी हो जाए फिफ्टी परसेंट तो 300 ग्राम में निकालो 300 ग्राम का 40 परसेंट कितना हुआ भाई जल्दी से जीरो से जीरो जीरो से जीरो कितना 120 ग्राम 120 ग्राम तो है भाई शुगर है ना 120 ग्राम सुगर है अब 120 ग्राम सुगर है कितना और मिलाना चाहिए इसमें चीनी बोल रहा है कितना मिला रहा है चीनी भाई हमने कहा 120 में एक्स तो जब 120 में एक्स बढ़ रहा है तो मिक्सचर में भी तो एक्स बढ़ेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो मिक्सचर कितने ग्राम का है तीन तो तीन में हमने एक्स फिर से बढ़ा दिया जब ऊपर शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो मिक्सचर में भी तो आपका मिक्सचर में भी तो इंक्रीज होगा तो 300 था तो जितना सुगर डाला उतना बढ़ गया तब ये जो सुगर है जो बढ़ के आया वो कितना परसेंट हो जाएगा फिफ्टी परसेंट यानी पचास बटे सौ हो गया तो पचास से कटेगा ये दो बार और दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई कितना दो सौ चालीस एक्स प्लस टू एक्स होगा दो सौ चालीस हो जाएगा इसको तो ले जाओ बराबर तीन सौ प्लस एक्स 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 का तो एक तरफ करो दो एक्स में से एक एक्स गया एक्स बचेगा तीन सौ में से 240 दो सौ चालीस घटा दो तो कितना बचेगा भाई साठ ग्राम आंसर इज बी साठ ग्राम आंसर है गुड जिनका साठ ग्राम है वेरी नाइस बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे वेरी गुड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जी एलसीएम एससीफ का क्वेश्चन है जल्दी से बताओ एलसीएम एससीएफ का क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वेंटी टाइम्स देयर एसियम उजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सब बता रखा इफ वन ऑफ द नंबर फोर एटी दर इज एक संख्या चार सौ अस्सी है दो दूसरी संख्या बता है। ये बोला उसने की जो एल्सियम है ना वो एससीएफ का कितना है भाई 20 अगर एस सी एफ देखो जरा यहां एस सी एफ एक्स है तो एल्सियम क्या होगा बाई ट्वेंटी एक्स क्योंकि बीस गुना है अब इन दोनों का एडिशन दे रखा है यानी बीस और कितना कितना भाई इक्कीस एक्स इक्कीस एक्स की वैल्यू दे रखी है कितना भाई पच्चीस सौ बीस पच्चीस सौ बीस दे रखी है। भाई इक्कीस से कट रहा है इक्कीस से कम इक्कीस बयालीस यानी एक्स की वैल्यू कितना है भाई वन ट्वेंटी अगर एक्स वन ट्वेंटी है तो वो क्या बन जाएगा एससीफ एस कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई एलसीएम हो जाएगा बारह का दो गुना करेंगे तो चौबीस हो जाएगा यानी चौबीस सौ होगा कि नहीं होगा एल्सियम चौबीस सौ होगा क्योंकि एससीएफ एक्स की वैल्यू अगर एक सौ बीस है तो बीस एक्स की वैल्यू कितना हो चौबीस सौ होगा तो एक चीज आप जानते हैं कि एल्सियम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बस यहां से निकल आएगा एल्सियम हमारे पास चौबीस सौ है इंटू हमारे पास एक सौ बीस है टू पहला नंबर दे रखा है चार सौ अस्सी है और दूसरा नंबर आपको ज्ञात करना है तो दूसरे को दूसरा ही रहना दो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी बारह से कटेगा कितनी भाई चार बार और चार से कटेगा ये कितनी भाई? बार भाई बार बाई सौ सेकेंड नंबर हो जाएगा बेटा छह सौ वेरी गुड आंसर इज डी छह सौ आंसर होगा बच्चे ठीक है यस जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं भाई भाई वीडियो को शेयर भी करते रहना ठीक है ना पता भी चलना चाहिए हाँ जी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ए किसी टैंक को कितने में भरता है भाई लिखा हुआ है अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन टू आवर्स एंड पाइप बी इन सिक्स आवर्स एट टेन ए एम पाइप ए वाज ऑप्टेंड एट व्हाट टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट इलेवन एम लिखा है कि ए जो है दो घंटे में भरता है बी छह घंटे में भरता है. सुबह दस बजे ए को खोल दिया जाता है बी को ग्यारह बजे खोल दिया जाता है तो टैंक कितने बजे भर जाएगा सिंपल सी बात है टैंक कितने बजे भर जाएगा हाँ जी थोड़ा यहां ध्यान से देखिए जरा कितने बजे खुल खुलता है भाई ए कितने बजे खुलता है यहां ध्यान से देखेंगे ए को खोल रहे हैं हम कितने बजे ए को खोल रहे हैं जी नहीं ए भरता है दो घंटे में और बी भरता है जी कितने घंटे में भाई बी भरता है छह घंटे में तो दोनों के लिए काम कितना बनेगा जो इनका एल्सियम होगा छ यूनिट दोनों के लिए काम बन जाएगा भाई छह यूनिट ए दो घंटे में छह करता तो एक घंटे में कितना यूनिट करेगा तीन बी एक घंटे में कितना करेगा एक क्योंकि वो टोटल छह घंटे लेता है। दोनों एक घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे तीन यूनिट भाई यहां तक तो समझ में आ गया क्लियर दोनों एक घंटे में तीन यूनिट काम करेंगे भाई ठीक अब यहां ध्यान से देखना उसने कहा कि दस बजे ए को खोला था तो भाई दस से लेकर ग्यारह के बीच केवल एक ही ने ही काम किया होगा दस से ग्यारह एम और एक ने एक घंटे में कितना यूनिट काम किया होगा तीन तो टोटल कितना यूनिट था तो रिमेनिंग छोटे तीन इजिक्वल टू तीन अब ये जो तीन यूनिट है इसको कौन करेगा दोनों अब दोनों जब इसको करेंगे भाई तो यहां ध्यान से देखना दोनों एक घंटे में कितना काम कर सकते हैं भाई दोनों तीन और एक चार करते हैं तीन नहीं, तीन और एक चार ठीक है तो भाई कंप्लीट एक घंटे के लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई टोटल टाइम कितना लगेगा भाई तीन बटे चार तीन बटे चार होगा क्योंकि काम बचा है तीन और एक घंटे में दोनों के कैपेसिटी है चार काम करने की तो तीन बटे चार मल्टीप्लाई तीन बटे चार घंटे लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा भाई पंद्रह पंद्रह पैंतालीस यानी कितने बज के ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट पर टंकी भर जाएगी एक घंटा तो ए ने किया था 45 मिनट दोनों के लिए हुआ ग्यारह पैंतालीस डन वेरी गुड दो बटे चार नहीं होगा तीन बटे चार होगा बेटा है कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत हुआ तीन और एक चार दो तीन छह तीन और एक चार टोटल काम कितना बचा छ यूनिट छ में से चार गया कितना बचेगा भाई छह में से चार गए दो यस दो काम बचेगा भाई यहां तीन हुआ कितना बचेगा भाई छह में से चार गए दो तो ये हो जाएगा दो बटे चार दो बटे चार का मतलब क्या हुआ भाई दो बटे चार दो बटे चार का मतलब एक बटे दो हो जाएगा और डेढ़ घंटा है कहीं डेढ़ घंटा आंसर तो डेढ़ घंटा नहीं हो भाई कहीं आंसर डेढ़ घंटा का मतलब थर्टी मिनट ग्यारह बज के तीस मिनट आंसर होना चाहिए कहीं मिस्टेक हुई क्या एक बार चेक कर लो भाई एक बार चेक कर लो रजत कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है क्या छह माइनस चार तीन कैसे हुआ कौन सा तीन बेटा तीन और एक चार हो रहा ना दो तिया छह छह कम छ तीन और एक चार एक घंटे में चार काम कर सकते हैं तो ए ने जो है अकेला एक घंटा काम किया यानी तीन यूनिट भर दिया होगा टोटल कितना यूनिट था छह छह में, में से तीन आपका कितना घटा दो भाई छह में से तीन घटा दो ना सही तो है तीन ही तो बचेगा चार नहीं बचेगा भाई सही किया का काम घटा दो ना जो एक घंटे में किया दोनों का क्यों घटा रहे हो दोनों तो चार काम कर रहे हैं तो चार से तो डिवाइड होगा ही तीन बटे चार सही है भाई ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट यस यूनिट तीन ही बची थी वेरी गुड सही है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी मिनट और घंटे के बीच की सुई का एंगल बताना है जल्दी से बताओ मिनट और सुई के बीच के आपका एंगल बताना है क्लॉक वाला क्वेश्चन है कितने ग्यारह बज के कितने मिनट पर ग्यारह बज के दस मिनट पर ग्यारह दस पे मिनट और घंटे के बीच की सुई का एंगल बताना है ग्यारह बज के दस मिनट पर ये एक है ये दो है ठीक है कुछ ऐसे होगी भाई ग्यारह है कुछ ऐसे होगी ये वाला एंगल बताना है जल्दी से बताओ ग्यारह दस पे। हां जी हां ठीक है याद यहां से देखना सिक्सटी इंटू याद रखेंगे एच माइनस इलेवन इंटू एम बाई टू जब भी एंगल निकालना हो तो इस ट्रिक को यूज करेंगे जब भी एंगल निकालना हो तो इस ट्रिक को यूज करेंगे ठीक है इस ट्रिक का यूज करेंगे साठ गुना एच एच का मतलब है ऑर्स साठ इंटू एच कितना ऑर्स बोला है ग्यारह माइनस इलेवन इंटू एम एम कितना एम का मतलब मिनट कितना बोला है दस बटे कितना भाई दो हो गया ग्यारह गुना साठ करेंगे तो छह सौ साठ होगा माइनस एक सौ दस बटे कितना हो जाएगा दो तो जीरो पांच और पांच बटे कितना हो जाएगा दो दो से कटेगा दो दूनी चार फिर कितना आएगा दो, दो, स, दो से सत्या दो पैसा एक दो सौ हमेशा याद रखना अभी तो दो सौ है ऑप्शन में दो सौ हो सकता है अभी नहीं है बल्कि लेकिन ऑप्शन में दो सौ हो सकता है यह आंसर नहीं है क्लियर जब भी आपका एंगल 180 से ज्यादा आएगा 180 से ज्यादा आएगा तो आपका करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि 180 से बड़ा एंगल क्लॉक में नहीं बनेगा अब याद रखना ये दो जब भी एक से बड़ा होगा उसको तीन में से घटा देंगे तो 360 में से घटाएंगे क्योंकि टोटल 360 डिग्री का एंगल होगा 10 में से पांच गए पांच फिर यहां बचेगा 15 15 में से सात गए आठ तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा भाई 85 डिग्री का एंगल बने इंटी फाइव नहीं बेटा एटी फाइव ठीक है नाइन्टी फाइव नहीं एटी फाइव एटी फाइव डिग्री का एंगल बनेगा डन दो सौ पैंसठ नहीं आएगा भाई भाई यहां से घटाएंगे जीरो माइनस छह में से एक गया पांच बचेगा छह में से गया पांच बचेगा बटे दो दो ने चार पंद्रह होगा दो सत्य चौदह और दो पजे दस 85 आंसर है नेक्स्ट है भाई लॉजिक बेस्ड है जल्दी से बताओ 876 को 12 लिखा है 864 को 81 लिखा है 895 को 22 लिखा है तो लिख रहा है कि भाई उसी भाषा में 824 को क्या लिखेंगे 824 को क्या लिखेंगे देखो कुछ ना कुछ तो एडिशन है माइनस है प्लस है कुछ ना कुछ तो क्या होगा 876 को बताना है 876 अगर मैं 8 और 7 कितना कर दूं 15 और पंद्रह छह कितना कर दू इक्कीस हो गया इक्कीस इस इक्कीस को अपोजिट लिख दिया तो क्या हो जाएगा भाई बारह वेरी सही है और आठ 6, चार लिखूंगा तो आठ 6, चौदह चार कितना होगा भाई चौदह चार 18, अट्ठारह को उल्टा लिख दूंगा तो कितना बन जाएगा इक्कीस बस उसी भाषा में आठ दो चार को लिखना है आठ चार बारह दो कितना होगा चौदह चौदह को उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इकतालीस फोर्टी वन आंसर है क्लियर आंसर है डी नेक्स्ट है भाई मेड को कोड लिखा है मेड का कोड है वन टू थ्री सिक्स तो आपको बताना है सॉरी बैड बी बैड का कोड है one, two, तो आपको का कोड बताना है डेक का कोड क्या होगा कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जल्दी से बताया देखो एम की पोजिशन कितनी होती भाई एम होता है तेरह पे एम की पोजिशन कितनी होती है एम होता है तेरह पे एम होता है कितने भाई? पे भाई तेरह पे एम तेरह पे होगा ए कितने पे होता है एक पे डी कितने पे होता है चार पे और ई e कितने पे होगा पांच पे हो गया क्लियर अब देखिए जरा यहां पर एम तेरह को उसने क्या बना दिया एम तेरह को उसने बना दिया भाई बारह हो गया ए को उसने क्या किया दो बना दिया चार को उसने क्या बना दिया तीन और पांच को उसने क्या बना दिया अच्छा इसका मतलब यह हुआ पहला घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है पहला घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है यही हुआ तो डेक को क्या लिखेंगे भाई चार को हम क्या बना देंगे चार को बना देंगे भाई तीन चार को क्या बना देंगे तीन ई पांच पे होता है इसको घटा बढ़ा देंगे छह सी तीन पे होता है इसको घटा देंगे दो और के आपका किस पे होता है भाई ग्यारह पे होता है इसको बना देंगे बारह तो छत्तीस दो सौ बारह आंसर इज ए छत्तीस दो सौ बारह है आंसर होगा ए बिल्कुल सही है हाँ जी जीके का क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है जल्दी से बताएं भारतीय रेलवे में टोटल कितने जोन है आठ सत्रह अठारह बारह जल्दी से कितने जोन है सत्रह सत्रह भारतीय रेलवे में कितने जोन है यस yes. सत्रह वाले गलत है भाई आंसर होगा बी आंसर होगा भाई बी यानी कितने जोन है अट्ठारह एक मेट्रो जोन भी है कलकत्ता के अंदर क्लियर किस देश का राष्ट्रीय खेल है भाई क्या बैडमिंटन बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय सॉरी टेबल टेनिस बैडमिंटन नहीं है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है बताओ टेबल टेनिस जी टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है Yes, आंसर होगा सी नेक्स्ट <coughs> बताना लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जल्दी से बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी यस लीवर आंसर होगा लीवर यकृत ठीक है लीवर अगर सबसे बड़ा पार्ट पूछता सबसे बड़ा भाग पूछता तो स्कीन त्वचा तो अच्छा. ठीक है सबसे बड़ी हड्डी यानी बोन्स की बात करेंगे तो झांग की हड्डी फेमस नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर के टू गॉडविन कहां है भाई इंडिया हाईएस्ट माउंटेन पीक इज गॉडविन ऑस्टिन के टू इज लोकेटेड इन कहा है काराकोरम पीर पंजाल ए बी बोथ या नन ऑफ दीज जल्दी से बताओ कहां है क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेगा डी उपरोक्त में से कहीं नहीं अच्छा ट्वेंटी सेवन का ए वेरी गुड ये आंसर दिया मेरे को कार्तिक ने ए सी वाले गलत है भाई आंसर इज ए काराकोरम रेंज काराकोरम रेंज जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है पीओके के अंदर पड़ता है पाक अधिकृत में. में भारत की सबसे ऊंची चोटी है याद रखना ठीक है लेकिन हिमालय की नहीं है अगर हिमालय की हाईएस्ट पीक पूछेगा इंडिया के अंदर क्या लिखेंगे आप कंचनजंगा ठीक है हिमालय की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है ग्रेटर हिमालय पर है सिक्किम में सिक्किम वाले रीजन में पड़ता है पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया जल्दी से बताओ पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया वैन वॉज द पंडित भीमसेन जोशी अवार्डेड भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में दिया गया 28 का ए 28 का ए 1990 नहीं है भाई 1990 नहीं है यस आंसर इज दी 2009 जो कि 2008 का था क्लियर 2009 में सम्मानित किया गया डन वेरी नाइस नेक्स्ट कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है विच रिवर डज नॉट मीट इन अरेबियन सी कौन सी नदी अरेबियन सी में जाकर नहीं मिलती या गिरती है नर्मदा ताप्ती पेरियार महानदी नर्मदा ताप्ती पेरियार महानदी जल्दी से बताएं नर्मदा ताप्ती पेरियार महानदी जी देखो नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है भाई ये और ये मध्य प्रदेश से कहां जाती है ये जाती है गुजरात की तरफ यानी अरेबियन सी में पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है भारत की ठीक है ताप्ती नदी भी इसी के पैरल चलती है एमपी से निकलती है यह भी जाती है अरेबियन सी गुजरात के निकट पेरियार नदी केरला में बहती है और यह भी पश्चिम की तरफ भागती है तो भाई महानदी है एक महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलकर कहा चली जाती है उड़ीसा की तरफ और बंगाल की खाड़ी में गिरती है भारत का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध लेट्स लास्ट क्वेश्चन है मार्स गैस व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मार्स गैस मार्स गैस का मेजर कंपोनेंट मुख्य घटक बताना मीथेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नन ऑफ दीज जल्दी से बताओ क्या है भाई जल्दी से जी गुड नाइट्रोजन भाई प्यूस नाइट्रोजन नहीं है आंसर इज ए मिथेन आंसर इज ए क्लियर तो आपका एक सेट रिविजन के तौर पे फिर कंप्लीट हो गया है अब मेरे को जो है थोड़ा मार्किंग बता दो जल्दी से कमेंट करके कितना कितना स्कोर हुआ आपका थर्टी आउट ऑफ जल्दी से कितना कितना किया आप लोगों ने हाँ जी जब आते हो भाई तो वीडियो शेयर जरूर किया करो थोड़ा बहुत बनता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट पुरुषोत्तम वेरी गुड नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट सौरभ ट्वेंटी 26 हिमांशु सिक्स वेरी गुड चौधरी हर्ष ट्वेंटी सिक्स गुड चौबीस जितने भी हैं भाई अच्छे मार्क्स हैं जो 20, 21, 22 पे इक्कीस बाईस थोड़ा बड़ा है भाई। थोड़ा रिवीजन और करें घर में रिवीजन और करें, जितना इधर लग रहा है प्रैक्टिस सेट, जितना डीडीए में लगा है सबको चाट दो सारे सॉल्व करते रहो क्वेश्चन आंसर को रट दो है ना ठीक है चले फिर आज के क्लास को यहीं पर एंड करें हाँ जी आज की क्लास को यहीं पर एंड आज करते हैं ठीक है कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस के साथ ठीक है और जितना पढ़ा है उसको घर जाके पढ़ते रहें सर माय फर्स्ट क्लास वेरी गुड क्लास थैंक यू भाई बिट्टू ठीक है तो चलो फिर अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें तैयारी बिल्कुल ना छोड़े ठीक है मिलते हैं कल तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद